अच्छा तुम्हें स्टोरी सुनना है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी का नाम है सनी एंड सुती। एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम था सनी। एक दिन सनी अपने स्कूल से घर जा रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दिया। उसने देखा कि एक काला और सफ़ेद रंग का कुत्ता पेड़ के डाल के पीछे उसका पैर फंसा हुआ था। सनी ने उस कुत्ता को अपने घर ले जाकर अपने पेरेंट्स को दिखाया। बेचारा कुत्ता, उसका पैर टूटा हुआ था। सनी के पापा ने उसे पशुओं के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने उस कुत्ते की पैर में बैंडेज लगाया। डॉक्टर ने सनी के पापा को कहा कि कुत्तों को अच्छी तरह केयर करना, उसका बहुत जल्दी बच्चा हो जाएगा। उसके बाद सनी के मम्मी ने कहा, हम उसके मालिक को बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। सनी और उसके पापा उनके पास के जितने भी घर हैं, सबको पूछने लगा कि आपका कोई कुत्ता खो गया है क्या, लेकिन उन्हें कुत्ते का मालिक नहीं मिला। उसके बाद सनी और उसके पापा मिस्टर पटेल के घर में गए और पूछे, क्या ये आपका कुत्ता है? मिस्टर पटेल ने कहा, हाँ ये कुत्ता मेरा है, इसका नाम मेसी है, मैं उसे बहुत दिन से ढूंढ रहा था। मिस्टर पटेल ने सनी को उनके कुत्ते के केयर करने के लिए धन्यवाद बोला और फिर एक महीने बाद उनका कुत्ते का एक बच्चा हो गया। सनी बहुत खुश था और फिर सनी ने कहा कि इस कुत्ते के बच्चे का नाम मैं सुती रखूंगा। और फिर ये खबर सनी ने उसके पेरेंट्स को बताया और ये जो सुती था वह दुनिया का सबसे अच्छा पपी था। हे दोस्तों, अगर इस स्टोरी को आपको सुनकर